हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का वीडियो फिर एक डीजे सेटअप के बारे में है, जिसमें आपको 4 टॉप और 8 सिंगल रेस हैं। तो दोस्तों, इस सेटअप के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सेटअप जो है हमारे भाई अशोक का है, झारखंड से है। इनका एड्रेस देख सकते हैं, रामगढ़ पतरातू डैम के पास है, जो कि झारखंड का बहुत ही फेमस जगह है। तो अशोक भाई को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया और अपने डीजे सेटअप की जानकारी दी और साथ ही साथ साउंड टेस्टिंग वीडियो भी सेंड किया है। तो चलिए बात करते हैं पहले इसी सेटअप के बारे में। तो चलिए बात करते हैं इसी सेटअप के बारे में कि इसमें कौन सा टॉप है, कितने वाट का टॉप में स्पीकर यूज किया गया है, बेस कौन कौन से हैं और कितने वाट का इसमें बेस स्पीकर यूज किया गया है, साथ ही साथ एम्पलीफायर के बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ पे भाई ने हमें कुछ फोटो भी सेंड किया है, चलिए देख लेते हैं पहले एम्पलीफायर के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 एम्पलीफायर है। तो यहाँ पे 4 टॉप और 4 बेस के लिए एम्पलीफायर है, और 4 बेस के लिए यहाँ पे एक और एम्पलीफायर है, और यहाँ पे इक्वलाइजर और एक्टिव क्रॉसओवर है। कितने वाट का बेस यूज किया गया है दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि आपने सेटअप में नीचे देखा, यहाँ पे ये वाला जो बेस है, ये बेस है फैन कंपनी का, जो कि एक 1200 वाट का बेस है, पॉप के डिजाइन कैबिनेट में आता है। और दोस्तों, ये बेस जो है 1200 वाट AS पावर में आता है, अगर हम इसका RMS पावर में कन्वर्ट करें तो ये 900 वाट का बेस है। तो दोस्तों, इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं, ये फैन कंपनी का स्पीकर है, 18 इंच का मॉडल नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइम 18XS। तो इस बेस का इन्होंने 4 पीस यूज किया है, सबसे नीचे जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे नीचे ये 4 बेस यूज किया गया है, इसी का कंपनी का आता है रेडीमेड। और दूसरा बेस है यहाँ पे ऊपर में, आप देख सकते हैं 4 बेस यूज किया गया है। इसमें जो उन्होंने स्पीकर यूज किया है वो है RCF का, मॉडल नंबर है LF18G401, जो कि एक 900 वाट का स्पीकर है। RCF का बहुत ही पॉपुलर स्पीकर है ये 900 वाट में, कंटिन्यूस प्रोग्राम पावर इसका 1800 वाट है, लेकिन इसका जो RMS पावर है वो 900 वाट है, और 4 इंच के वॉइस कोइल है। अच्छा स्पीकर है, बहुत ही अच्छा आपको बेस में रिस्पांस दे देगा। और दोस्तों, बात करें टॉप के स्पीकर का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 टॉप, तो 4 टॉप में एक ही स्पीकर यूज किया गया है, जो कि PRDO का है, मॉडल नंबर है 15BM400B, जो कि एक 400 वाट AS पावर का है, और इसके बारे में पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसका हम RMS पावर निकालें तो ये 300 वाट का स्पीकर हो जाएगा। 8 ओम इसका इम्पीडेंस है और इसका 3 इंच का वॉइस कॉइल है, बहुत ही अच्छा स्पीकर है, इसमें आपको अच्छा मिड और मिड बेस मिल जाएगा। तो एम्पलीफायर का फोटो उन्होंने सेंड किया था, आप देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कौन से एम्पलीफायर पर बेस और टॉप का यूज किया जा रहा है, कौन से कंपनी के हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला एम्पलीफायर है, जो कि बेरिंगर का है, मॉडल नंबर है NU6000, जो कि एक 6000 वाट का एम्पलीफायर है। इसका पावर आउटपुट आप देख सकते हैं, 8 ओम्स पे देता है 1600 वाट पर चैनल, और यहाँ पे 4 ओम्स पे देता है 3000 वाट पर चैनल। 2 ओम्स सपोर्ट नहीं करता एम्पलीफायर, क्योंकि SMBS एम्पलीफायर है, तो यहाँ पे वेट काफी कम होगा, इसलिए इसका वेट जो है 5.5 है, 5.5 kg। और इसका डबलिंग फैक्टर की बात करें, डबलिंग फैक्टर इसके वेबसाइट पे मुझे नहीं मिला, अगर आप में से किसी भाई को पता है जो इसे यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल कमेंट करिएगा इसका डबलिंग फैक्टर कितना है। तो दोस्तों, इस एम्पलीफायर पे वो फैन कंपनी का बेस है 1200 वाट का, वो 4 पीस यूज कर रहे हैं, 2 बेस एक जोन पे और 2 बेस दूसरे जोन पे। बात करते हैं दूसरे एम्पलीफायर के बारे में, तो दूसरा एम्पलीफायर है अपना एरॉन्स का HD9001, जो की एक 6000 वाट का एम्पलीफायर है, और इसका आउटपुट आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 ओम मिल जाता है 3100 वाट, 4 ओम पे मिल जाता है 2400 वाट, 8 ओम पे मिल जाता है यहाँ पे 1500 वाट, और इसका डंपिंग फैक्टर आप देख सकते हैं 1000 है। और इस एम्पलीफायर पे ये RCF का जो 900 वाट का बेस है, उसका 4 पीस इसमें चला रहे हैं। अच्छा, इसमें हेडरूम भी मिल जाता है, और स्पीकर जो कि RCF का है, इसलिए बहुत ही अच्छा वहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। तो इस एम्पलीफायर पे वो RCF का 4 स्पीकर चला रहे हैं 18 इंच का। चलिए बात करते हैं लास्ट एम्पलीफायर, तो लास्ट एम्पलीफायर है अपना स्टेज मास्टर का, मॉडल नंबर है SMX5500, जो की एक 5000 वाट का एम्पलीफायर है, और इस एम्पलीफायर पे वो टॉप के यूज कर रहे हैं, जिसमें वो 400 वाट PRDO का AS पावर वाला स्पीकर 8 पीस चला रहे हैं, 4 पीस स्पीकर एक जोन पे और 4 पीस स्पीकर दूसरे जोन पे। तो इसका आउटपुट आप देख सकते हैं, 2 ओम्स पे मिल जाता है 2500 वाट, 4 ओम पे मिल जाता है 2000 वाट, 8 ओम्स पे मिल जाता है यहाँ पे 1500 वाट। तो यहाँ पे इस एम्पलीफायर में 4 टॉप चलाया जा रहा है, जो कि 2 ओम्स पे रन हो रहा है, और 2 ओम्स पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2500 वाट मिल रहा है, तो काफी ज्यादा हेडरूम इसमें भी बच रहा है। तो इसमें वो 4 टॉप चला रहे हैं, बहुत ही अच्छा आउटपुट मिल रहा है, क्रॉसओवर यूज कर रहे हैं, मॉडल नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे SC234XL, और यहाँ पे उन्होंने एक इक्वलाइजर यूज किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये रहा इनका सेटअप। बात करें इसके इन सभी प्रोडक्ट के प्राइस की, तो दोस्तों, इन सभी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे जैटर का, तो जैटर यूज कर रहे हैं ये किलोस्कर का, जो कि बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है जैटर के मामले में।
तो इसका ये 14 केवीए का इस सेटअप पे यूज कर रहे हैं। आप जानते ही हैं किर्लोस्कर का जो चैटर होता है वो काफी महंगे होते हैं, लेकिन क्वालिटी भी शानदार होती है इसका। इस प्रकार से दोस्तों इनका ये सेटअप कंप्लीट हो जाता है, बहुत ही अच्छा है, जिसमें 8 बेस और 4 टॉप और उनके लिए एम्पलीफायर है और एक जनरेटर है। चलिए इसका साउंड टेस्टिंग देख लेते हैं, हेडफोन के यूज करिएगा। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अशोक भाई ने जो हमें वीडियो सेंड किया है वो मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया है, और आप जानते ही हैं मोबाइल में अगर रिकॉर्ड करोगे और सेटअप में अगर अच्छा बेस मिल रहा है तो आपको साउंड थोड़ा डिफरेंट मिल जाता है, तो आप समझ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सेटअप का साउंड टेस्टिंग। तो दोस्तों ये था इस डीजे सेटअप का साउंड टेस्टिंग, जो कि हमारे अशोक भाई का है। साउंड टेस्टिंग आपको कैसा लगा बिल्कुल मुझे कमेंट करें। और दोस्तों हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इनमें से कोई सभी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल मुझे कमेंट करें कि इसका क्वालिटी आपको कैसा लगा, और जो भाई यूज कर रहे हैं बिल्कुल बताएं इसका रिजल्ट कैसा है, ताकि हमारे दूसरे भाइयों को भी पता चले। फिलहाल ये जो एम्पलीफायर है अपने एरिया में तो चलता नहीं है, क्योंकि ये झारखंड से हैं और अपने एरिया में केवल एरॉन्स का एम्पलीफायर आपको लगभग मिल जाएगा, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर आप अपना सेटअप का साउंड टेस्टिंग वीडियो मुझे सेंड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों हमारा जो चैनल है वो साउंड टेस्टिंग का है, तो आप अपने सेटअप का भी साउंड टेस्टिंग वीडियो हमें सेंड कर सकते हैं, मैं उसे यूट्यूब पर अपलोड जरूर करूंगा। तो दोस्तों हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अगर आप नए हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा मेरा जहाँ वीडियो साउंड टेस्टिंग का होता है, दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप वहाँ से मुझे तो आप व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने डीजे सेटअप से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।